मध्य प्रदेश छात्रावास प्रबंधक भर्ती भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोस्तों। शासकीय छात्रावास प्रबंधक भर्ती ऑनलाइन आवेदन है जो कि आपको निःशुल्क है। आयु चयन प्रक्रिया संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। बस वीडियो को एंड तक बने रहिए दोस्तों। और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट, सरकारी योजनाओं की जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं छात्रावास प्रबंधक शासकीय डिग्री महाविद्यालय लालपुरा बालाघाट। दोस्तों ये 11/27/11/2024 को पोस्ट किया गया था। दोस्तों ये भर्ती साइड मैप के द्वारा दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको साइड मैप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। sitemap.india, ठीक है। साइड मैप की ये भर्ती है दोस्तों। इसमें आपको जैसे साइड मैप में अगर कोई भर्ती निकाली है, ठीक है, साइड मैप के द्वारा अगर कोई भर्ती होती है तो उसकी लिंक जब बंद हो जाती है, जब जैसे कि आप अगर कोई भर्ती निकाली और उसमें 10 पद हैं या 50 पद हैं, ठीक है, जैसे ही उतने आवेदन हो जाते हैं वहां से लिंक ऑटोमेटिक हट जाती है। तो इसलिए जैसे ही आप ये वीडियो देखें, अगर आपको अप्लाई करना है तो तुरंत आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको अप्लाई नहीं करना है तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार, अपने ग्रुपों पर जरूर शेयर करिएगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इस पर जो है वेबसाइट की कोई लास्ट तारीख नहीं होती आवेदन करने की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, छात्रावास प्रबंधक शासकीय डिग्री महाविद्यालय लालगुर्रा बालाघाट के लिए पोस्ट निकाली गई है दोस्तों। यहाँ पर नौकरी का विवरण देखने को मिल जाएगा। नौकरी के बाद छात्रावास प्रबंधक कुल पदों की संख्या केवल एक पद यहाँ पर है। योग्यता स्नातक कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जगह आपको लालपुरा बालाघाट, वेतन आपको कलेक्टर दर पर दिया जाएगा जो कि 10 से 15 हजार रुपए के बीच में आपको जो है वो दिया जाएगा। उद्योग है सरकारी और सार्वजनिक। अनुबंध है दोस्तों, और इसमें ये वेबसाइट कभी बंद हो सकती है। जितनी जल्दी हो सके आप आवेदन कर लीजिए। आवेदन करने के लिए आपको मेरी दिलचस्पी है पर क्लिक कर देना, ठीक है। मेरी दिलचस्पी है पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको रिज्यूम अपलोड कर देना। सबसे पहले अपना रिज्यूम अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना। और अब बहुत सारे की कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा आधार नंबर केवल 8 अंक का लिखा रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल, आपको लास्ट के 8 अंक यहाँ पर इंटर करना है। पूरे इंटर नहीं होगा, केवल लास्ट के 8 अंक इंटर कर देना है, ठीक है। मैंने आपको एक बार डाल के बताया, यहाँ पर आप 8 अंक इंटर कर सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं कर सकते। वर्तमान स्थान आपको डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर पसंदीदा स्थान पूरी जानकारी आपको भर देना है। जैसे ही आप पूरी जानकारी फिल करोगे यहाँ पर आपको कैप्चर फिल कर देना है। कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको आवेदन जमा करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आवेदन जमा करे पर क्लिक करेंगे आपका जो है वो आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया जाएगा। और उसके पश्चात आपको ईमेल आईडी जो डाली है, अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपका चयन होता है, तो आपको ईमेल के माध्यम से जो है वो आपको सूचित किया जाएगा। इसलिए अपनी ईमेल आईडी को चेक करते रहिए। ईमेल आईडी का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऊपर ही दिख जाए। इसलिए ईमेल आईडी चेक करते रहिए, अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो वो है वो पूरा आपको जो है वो ईमेल आईडी के माध्यम से ही दिया जाएगा। और जो साइड मैप की भर्ती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये वैकेंसी जैसे ही फुल होती है, इसके पद फुल होते हैं, ये आवेदन यहाँ से हटा दिया जाएगा, वेबसाइट यहाँ से हटा दी जाएगी। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।